नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर। खबरें फटाफट में। मंडी के नाचन क्षेत्र के रडू गांव के किसानों की करीब 200 बीघा जमीन को सिंचाई की सुविधा नहीं, किसानों ने खेतों को जल्द मांगा पानी। मंडी में निजी बस यूनियन बंटी दो गुटों में, निजी बस यूनियन और निजी बस मालिकों के बीच देखने को मिली तनातनी। एक गुट ने बसें चलाई तो दूसरे ने बसें चलाने से किया साफ इनकार। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला ऊना ने सरकारी स्कूलों को 50% स्टाफ के साथ खोलने की उठाई मांग। जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल को ज्ञापन सौंपा। राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला अस्पताल में असुविधाओं का आलम। युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य सुविधाएं न होने पर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल का जलाया पुतला। परवाणु पुलिस थाना के कर्मियों की कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए कारोबारियों ने नवाजा। दौलतपुर चौक में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने लगाए ट्रैफिक कोन। ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करने हेतु रोड सेफ्टी क्लब ने जगह जगह लगाए फ्लैक्स। 14 जून को जिला भर में 1800 लोगों को किया वैक्सीनेट। 15 से 18 जून तक 2600 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य। शहर में सीवरेज पाइप डालने के लिए उखाड़ी सड़क 7 माह बाद भी नहीं हो पाई पक्की, लोगों ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। नंगल में बारिश होने से गर्मी से मिली राहत, तूफान में बहे बागवानों और किसानों के अरमान। बिलासपुर के गोठड़ा में 171 दानवीरों ने रक्तदान किया, खून देने वालों में ज्यादातर युवा और महिलाएं। सोमवार को HRTC ने 20 रूटों पर बसों को दिखाई हरी झंडी, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 रूटों पर बस सेवाएं। मंडी में 65 रूटों पर चली निगम की बसें, सैनिटाइज करने के बाद ही रवाना हुई बसें। बिलासपुर में 16 रूटों पर दौड़ी बसें, ज्यादातर बसें लिखी खाली। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर बिलासपुर में बोले, एक पंचायत एक साल और 5 काम से पंचायतों का होगा कायाकल्प, गांव बनेंगे विकास का मॉडल। सुजानपुर में कार्यरत जूनियर टीममेट ने पंखे से लटक कर दी जान, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बैजनाथ में बैंकों में लोगों की दिखी भीड़, सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। प्रदेश व जिला कांगड़ा में दंगल न होने से पहलवान हुए बेरोजगार, नामी पहलवान जसप्रीत कालू ने सरकार से मांगी मदद। बंजार क्षेत्र में अवैध तरीके से मछलियों का शिकार करते पकड़े 25 लोग, मत्स्य विभाग ट्राउट फार्म हामनी ने छापा मारकर वसूला 28,000 जुर्माना। जिला चंबा में सोमवार को परिवहन निगम प्रबंधन ने 53 रूटों पर बहाल की बस सेवा, निगम ने बसों को 50% सवारियों के साथ किया रवाना। राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर सरका घाट में सोमवार को विश्व वर्ल्ड डोनेशन डे पर 50 लोगों ने किया रक्तदान, ADC ने भी दिया खून। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।